अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफा है और आप देख रहे हैं आसफाज होम कुकिंग। आज आपके साथ दाल चना कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मसाला रेडी करूँगी। बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है और आसान भी है इसको बनाना। तो रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, तभी आप इस रेसिपी को इंजॉय कर सकेंगे, बना सकेंगे परफेक्ट तरीके से। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में एक कप ऑयल गरम कर लिया है। इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके शामिल करेंगे। प्याज की मिकदार आपने कम रखनी है और प्याज को हम इस तरह से चम्मच की मदद से तोड़ लेंगे। प्याज को खोलना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि प्याज अच्छे से जल्दी से सुनहरी हो सके। तो प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम कुछ मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर रही हूँ और 8 से 10 हम मैंने इसमें साबुत लाल मिर्ची ऐड की हैं। अब हमने इस प्याज को हल्का सुनहरा करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज जिस वक्त हल्के सुनहरे रंग की हो जाएगी तो उसमें अब हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर मैं इसमें 3 अदद शामिल कर रही हूँ, मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको स्लाइसिस कट करके ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन टमाटरों को। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें राई दाना भी शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते शामिल करूँगी। इसमें मैंने 6 से 7 कड़ी पत्ते शामिल किए जो कि ड्राई हैं, मेरे पास ड्राई अवेलेबल थे। अगर आपको फ्रेश अवेलेबल है तो आप फ्रेश भी ऐड कर लीजिए। तो तमाम चीज़ें डालकर काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और जिस तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए तमाम टमाटर काफ़ी अच्छे मैश कर लेंगे। यहाँ पर टमाटरों को पहले ही आप अच्छे तरीके से मैश कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम इसमें दाल शामिल करेंगे। तो दाल शामिल करने के बाद टमाटरों को मैश मत कीजिएगा, वरना दाल जो है वो घुट जाएगी। तो टमाटरों को काफ़ी अच्छा सा हम मैश कर लेंगे इस वक्त। अभी आप देख रहे हैं टमाटर काफ़ी अच्छे मैश हो चुके हैं। तो अब हम इसमें उबली हुई दाल शामिल कर देंगे। दाल को मैंने नमक के बगैर उबाला है, इसलिए मैंने मसाले में 1.5 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। दाल को हमने थोड़े से पानी के साथ बॉईल करना है, और दाल के साथ जो पानी रह गया है वो भी मैंने साथ ही शामिल कर दिया है। इस पानी को आपने डिस्कार्ड नहीं करना, क्योंकि दाल का जो सारा फ्लेवर है वो इसी पानी में मौजूद है। तो सारा सब कुछ हम इसमें ऐड करने के बाद इसको दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही इसमें स्लाइस की हुई अदरक भी शामिल कर देंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। तकरीबन 4-5 हरी मिर्ची शामिल की हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद ढककर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। हल्की आंच पर रखेंगे ताकि काफ़ी अच्छी दाल इसमें कुक हो जाए, फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाए तमाम मसालों का इस दाल में। यहाँ दाल को पकते हुए 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इन्हें कुक किया है, और आप देख रहे हैं दाल बिल्कुल साबुत है और काफ़ी अच्छी गली हुई भी है। तो बस इसमें हम हरा धनिया शामिल करेंगे थोड़ा सा, और हरा धनिया को शामिल करने के बाद मिक्स कर लेंगे काफ़ी अच्छा, और उसके बाद इसको ढककर रख देंगे 4-5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं माशाल्लाह खिली खिली दाल बनी है, बहुत मज़े की बनी है ये दाल। इस मसाले से इस कढ़ाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी। इसको आप पराठे के साथ, नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, इवन के चावलों के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, कॉमेंट में भी लाजमी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।